नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी मटन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार ये मटन करी बना के जरूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखे पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 किलो मटन। मटन आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और जो बाकी मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूँगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक कुकर। कुकर में हम डालेंगे 1/4 कप यहाँ पे सरसों का तेल। अगर आपको यहाँ पे तेल ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे तेल एडजस्ट कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में हम तेल को पहले गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के प्याज को देखिए बिल्कुल पतले स्लाइस में काट लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे कर देंगे और डालेंगे यहाँ पे कटे हुए प्याज। प्याज को हमें फ्राई नहीं करना है। तो प्याज डालने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 4 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है हमें। साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे मटन। मटन डालने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। साथ ही डालेंगे 2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। और डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। एक बार हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखना है अभी हमें। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे ही रखा है। इस मटन में हमें प्याज को भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से मटन करी। देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1 कप दही। दही डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे और कुकर को बंद करके हम 1 सीटी आने तक मटन को पकने देंगे। तो पहले हमें मिक्स करना है। देखिए तो अच्छे से मिला दिया है। कुकर को करेंगे हम बंद। गैस का फ्लेम हम मीडियम रख के सिर्फ 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। एक सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और 5 मिनट हम इसी तरीके से मटन को कुकर में रहने देंगे। 5 मिनट बाद हम कुकर को खोल लेंगे। साथ ही हम गैस का फ्लेम भी ऑन कर देंगे। प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसी तरीके से खोल के मटन को पकाएंगे 10 मिनट, जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। तब तक प्याज भी अच्छे से हमारा गल जाएगा। अभी तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, पूरी तरीके से प्याज हमारा मैश हो जाएगा। तो हमें 10 मिनट इसी तरीके से मटन को और पकाना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देते हैं और कुकर को हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए थोड़ा सा हम साइड में खुला रखेंगे और कुछ देर बाद हम एक एक बार चेक भी करते रहेंगे। 5 मिनट बाद एक बार हम स्पैचुला से चेक कर लेंगे। देखिए
इसमें जो अभी दही का पानी निकले हैं इसे पूरी तरीके से हमें ड्राई करना है। डालेंगे हम यहाँ पे एक चम्मच मीट मसाला, कोई भी ब्रांड का आप मीट मसाला यूज़ कर सकते हो। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। डालेंगे हम यहाँ पे कसूरी मेथी एक चम्मच ड्राई रोस्ट करके और हल्का हम क्रश करते हुए डालेंगे। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फिर से कुकर को ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। पूरा हम नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से खोल के रखेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे। 10 मिनट बाद एक बार हम और मिक्स करेंगे। अब हम कुकर को ढकेंगे नहीं, खोल के 2 से 3 मिनट और हम मटन को ड्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। 3 से 4 मिनट हो गए मटन को हमें भूनते हुए, और आप देख सकते हो मटन अच्छे से हमारा भून चुका है। साइड से तेल अलग दिख रहे हैं। इसी स्टेज तक आपको मटन को अच्छे से भूनना है। जो प्याज था वो भी अच्छे से हमारा मैश हो चुका है, देखिए। प्याज बिल्कुल भी यहाँ पे कच्चे नहीं है, अच्छे से मैश हो चुका है। तो इसी स्टेज तक आपको भूनना है। जब इस तरीके से साइड से तेल अलग दिखने लगे तब आपको डालना है यहाँ पे पानी। तो मैं यहाँ पे गरम पानी डाल रही हूँ, करीब 1 कप। तो 1 कप हम डाल देंगे गरम पानी। पानी डालने के बाद एक बार हम मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाने के बाद हम 2 सीटी आने देंगे मीडियम फ्लेम में। अगर आपको बहुत ज़्यादा मटन सॉफ्ट पसंद हो तो आप यहाँ पे 3 से 4 सीटी लगा सकते हो। तो कुकर को बंद कर दिया और 2 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया था और 5 मिनट मैंने मटन को कुकर में रहने दिया। अब हम खोल लेंगे कुकर को और हमारा मटन करी बनके तैयार है। और आप देख सकते हो इसमें ग्रेवी कितना है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे पानी ऐड कीजिएगा। तो गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे। एक बार डालेंगे ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और बस खोल के हाई फ्लेम में 1 मिनट मटन को और हम ड्राई कर लेंगे। मटन भी अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो चुका है और ये देख के जितना टेस्टी लग रहा है, यकीन मानिए ये मटन करी खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो बस धनिया पत्ते डालने के बाद एक बार मिक्स कर लिया है और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी मटन करी, और आप देख सकते हो मटन अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और मटन को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार मटन करी बना के ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। आप इसे रोटी चावल दोनों ही खा सकते हो। तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।